हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप यूज करके अपने फ्रेंड के यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, या फिर आप जितने बंदे होंगे यहाँ ट्रेनिंग मोड के अंदर आप उनको भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक आप जोर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, समझो पहले वाला ट्रिक है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपके यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लैश स्क्वाड वाले मोड के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप मेरे को अब यहाँ पे फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने हाथ में ग्रेनेड या फिर ग्लू वॉल को ले लेना है, और जैसे आप हाथ में ले लोगे फिर आपको अपने बैग को खोल के अपने गन को स्लॉट के यहाँ पे चेंज कर देना है। और जैसे आप गन को स्लॉट को चेंज कर दोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपके लोड आउट में यहाँ पे दो गन दिख रही होंगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया था कि आपके लोड आउट में यहाँ पे एक ही गन थी। और इस वाले ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे सरप्राइज भी कर सकते हो, और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपके यहाँ पे एक ही गन है लेकिन आपके यहाँ पे दो गन कैसे शो हो रही है। और गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि वाली जो ट्रिक है ये वही वाली गन के साथ काम करेगी जिस वाले गन के साथ मैंने अभी आपको इस ट्रिक को दिखाया था। इस वाले ट्रिक को आप किसी भी गन के साथ आराम से कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से अपने हाथ में ग्रेनेड या फिर ग्लू वॉल को ले लेना है, और जैसे आप हाथ में ले लोगे फिर से आपको अपने गन के स्लॉट को यहाँ पे चेंज करना है, और जैसे आप गन के स्लॉट को चेंज करोगे फिर से आपको अपने लोड आउट में यहाँ पे दो गन दिखेंगी। और गाइस, इस वाले ट्रिक को आप अपने फ्रेंड को दिखा के उसे भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे एक ही गन थी लेकिन आपके लोड आउट में यहाँ पे दो गन कैसे शो हो रही है। तो गाइस, आपके वाले ट्रिक कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप ट्रेनिंग मोड के बंदों को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से जीप को लेके कुछ इस जगह पर आ जाना है, और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ जीप से उतर जाना है, और जीप से उतरने के बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ जीप को ड्राइव करे, और आपको यहाँ दूसरे वाली सीट पे बैठ जाना है, और जैसे आप ये कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। सो गाइस, आपको अपने फ्रेंड के साथ कुछ इस जगह पर आ जाना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ जीप को पीछे करते हुए एकदम से गेटआउट वाले बटन पे प्रेस कर दे, और जैसे आपका फ्रेंड ये वाला काम यहाँ पे कर लेगा फिर आपको यहाँ पे काफी अमेजिंग सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हो हमारी जो जीप है वो हवा में उड़ती हुई कुछ इस जगह पर आ चुकी है। और गाइस, इस वाली चीज को करके आप अपने फ्रेंड या फिर अपने एनिमी को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी जीप हवा में उड़ती हुई कहाँ चली गई। और गाइस, जहाँ पर मैंने अभी आपको इस ट्रिक को करके दिखाया था वहाँ पर एक तरह का ग्लिच है, और जिसका आप यूज करके आराम से अपनी जीप को यहाँ कहीं पर भी आके उड़ा सकते हो। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है बस यहाँ जीप के साथ ही काम करती है, अगर आप दूसरी व्हीकल के साथ यूज करोगे तो वाली ट्रिक वहाँ पर काम नहीं करेगी। बस इस ट्रिक को करने के लिए आपको साइड में यहाँ पे कोई बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, और वो जैसे यहाँ पीछे की तरफ करके जीप को यहाँ गेटर वाले बटन पे प्रेस करेगा तो आपकी जीप यहाँ कहीं पे भी जाके हवा में उड़ जाएगी। तो गाइस, आपके वाले ट्रिक भी कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक भी यहाँ पसंद आए तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, समझो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ्रेंड सान वाली फ्लोर से एकदम से आर पार हो जा रहा है, और एक तरह से मेरे फ्रेंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे वॉल हैक का यूज कर रहा हो। तो गाइस, इस वाली ट्रिक को अगर आपको भी यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ अल्पाइन वाले मैप पे आ जाना होगा, और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको यहाँ ओशन व्यू के पास वाले घर पर आ जाना होगा। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आप मेरे को यहाँ पे आप फॉलो करना। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हो मैं भी यहाँ खिड़की से बाहर की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ये मेरे लिए यहाँ पे काम नहीं करी है। तो अगर आपको यहाँ पे इस ट्रिक को करना है तो अब आपको मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा। तो गाइस, अब आपको यहाँ दोबारा से खिड़की के अंदर की तरफ जाना होगा, और जैसे आप अंदर की तरफ चले जाओगे तो आप बिल्कुल खिड़की के पास आके खड़े हो जाना, और जैसे आप खड़े हो जाओगे तो आप अपने जंप वाले बटन को यहाँ पे साइड में देखना, वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जैसे आप उसे यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप एकदम से यहाँ फ्लोर के अंदर आर पार हो जाओगे। सो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हो मैं आर पार हो चुका हूँ। और गाइस, वाली ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे आपका फ्रेंड या फिर आपका एनिमी ट्रिक को यहाँ पे करता हुआ दिखेगा वो आपको यहाँ पे वॉल हैकर की तरह समझेगा। सो गाइस, आपके वाली ट्रिक कैसी लगी, अगर आपके वाली ट्रिक पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप ट्रेनर मोड के अंदर एक सीक्रेट प्लेस पे जा सकते हो, और अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्राफ्ट टूल को परचेस कर लेना है, क्राफ्ट टूल को परचेस करने के बाद आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। सो गाइस, आपको यहाँ सोशल जोन में कुछ इस जगह पर आ जाना है, और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको अपने सामने की तरफ इनविजिबल वॉल देखने को मिल जाती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्राफ्ट टूल को हाथ में ले लेना है, क्राफ्ट टूल को हाथ में लेने के बाद आपको अपने यहाँ तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को सिलेक्ट करना है,
और जैसे अब आपने तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पहला वाला क्राफ्ट टूल ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ अपने पहले वाले क्राफ्ट टूल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा। और जैसे आप अपने क्राफ्ट टूल को यहाँ पे सेट कर लोगे तो आप इस इनविजिबल वॉल को आराम से पार कर जाओगे। तो गाइस अब आपको यहाँ अपने क्राफ्ट टूल को बिल्कुल ध्यान से सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे यहाँ पे सेट कर लेना। और जैसे आप यहाँ अपने क्राफ्ट टूल को सेट कर लोगे तो आप इस इनविजिबल वॉल को आराम से यहाँ पे पार कर जाओगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हम यहाँ इनविजिबल वॉल के पार आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सामने की तरफ चले जाना है। और जैसे आप यहाँ सामने की तरफ चले जाओगे तो आपको यहाँ पे एक और इनविजिबल वॉल देखने को मिलेगी। तो अब आपको यहाँ पे एक और बार अपने क्राफ्ट टूल को वैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको अपने दोबारा से अपने हाथ में क्राफ्ट टूल को ले लेना है। और जैसे आप क्राफ्ट टूल को हाथ में ले लोगे फिर आपको अपने फिर से यहाँ तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को सिलेक्ट करना है। और जैसे आप अपने तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लोगे फिर आपको यहाँ पहला वाला क्राफ्ट टूल ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। और गाइस जैसे ही आपके हाथ में यहाँ पे क्राफ्ट टूल आ जाएगा फिर आपको अपने क्राफ्ट टूल को यहाँ पे बिल्कुल वैसे यहाँ पे सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो गाइस आपको यहाँ बिल्कुल इसी जगह पर आके अपने क्राफ्ट टूल को लगाना है। तो आप अपने क्राफ्ट टूल को यहाँ हाथ में ले लेना और हाथ में लेने के बाद आप अपने तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और तीसरे वाले क्राफ्ट टूल को हाथ में लेने के बाद आपके यहाँ पहला वाला क्राफ्ट टूल आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब आपको अपने क्राफ्ट टूल को यहाँ बिल्कुल वैसे ही सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा। और जैसे आप सेट कर लोगे तो आप यहाँ इनविजिबल वॉल के आर पार आ जाओगे। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ सामने की तरफ जाके तैरते रहना है। और जैसे आप यहाँ पे तैरते रहोगे तो यहाँ पर एक टाइम आएगा कि आप यहाँ नीचे की तरफ चले जाओगे। और गाइस जैसे आप यहाँ नीचे की तरफ चले जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हम यहाँ कुछ इस जगह पर आ चुके हैं। और गाइस ये ऐसी लोकेशन है यहाँ पे आपका फ्रेंड आपको यहाँ कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और जैसे आपका फ्रेंड यहाँ पे आपके नाम को देखेगा वो भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाएगा कि आपने यहाँ इनविजिबल वॉल को कैसे क्रॉस कर लिया। और गाइस हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सारे ट्रिक को स्टार्टिंग में करने में। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो को यहाँ पे एक दो बार ही देख लेना तो आप इस ट्रिक को काफ़ी आसानी से कर पाओगे। सो गाइस अगर आप यहाँ सामने की तरफ जाके जंप करोगे तो आप यहाँ मैप के बाहर भी चले जाओगे। और जैसे आप यहाँ मैप के बाहर भी चले जाओगे तो आप इस वाली चीज़ को भी अपने फ्रेंड को दिखा के उसे भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। सो गाइस जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको वीडियो में बताया सारे ट्रिक्स आपको यहाँ कैसी लगी, अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.